दो प्रकार का मूल ध्यान होता है, एक वो जिसमें एकाग्रता बनाई जाती है, एक वो जिसमें चिंतन किया जाता है। पहले वाला है कॉन्सेंट्रेटिव मेडिटेशन, दूसरे वाला है कॉन्टेम्पलेटिव मेडिटेशन। जिसमें एकाग्रता बनाई जाती है वो चार प्रकार का होता है। एक वो जो आप श्वास पर लगा सकें, श्वास आ रहा है जा रहा है आ रहा है जा रहा है। दूसरा वो जो आप शब्द पर लगा सकें, चाहे वो मंत्र हो चाहे वो ध्वनि हो किसी प्रकार की, कोई भी नाद हो। तीसरा ध्यान वो जो किसी स्वरूप पर लगा सकें। स्वरूप पर ध्यान लगाना ये नहीं है कि उस स्वरूप को हम एकटक देख रहे हैं, वो त्राटक हो जाता है, वो तो मात्र एक बाहरी क्रिया है। स्वरूप पर ध्यान लगाने का अर्थ होता है एक स्वरूप को मैंने अपने मन में धारण कर लिया, उसके बाद आंखें बंद करके मैं बार बार उस स्वरूप को अपने मन के पट पर उसकी छवि को उतार रहा हूं। बहुत ही कुछ ही सेकंड्स में एक ऐसा क्षण आएगा कि जब वो जो छवि है जो उतर जाएगी, वो शार्प नहीं रहेगी। तो फिर आंखें खोल लीजिए, फिर छवि को देख लीजिए, फिर मन में धारण कर लीजिए। जब ऐसा करेंगे तो बहुत जल्दी थकावट हो जाएगी, थकान आ जाएगी अगर ढंग से करेंगे तो इसलिए 7 मिनट 10 मिनट बैठ के ब्रेक ले लो, फिर 5-7 मिनट बैठ जाओ, फिर ब्रेक ले लो। कोई मेरी ये बात मानने को तैयार ही नहीं है, पर मैं फिर कहता हूँ भटकते रहो, करते रहो, जोर लगाते रहो। और चौथा जो ध्यान लगाया जाता है वो निराकार पर, कि आप बस बैठ गए और आप निर्विचार होकर बैठ गए, एक साक्षी भाव में बैठ गए। विचार आया तो आकर जाने दो, विचार आया तो आकर जाने दो। ना विचार पे रिएक्ट करेंगे, ना उस पे कुछ प्रतिक्रिया देंगे, ना उसके पीछे भागेंगे, ना विचार पर चिंतन करेंगे, ना उसका विश्लेषण करेंगे, उस पर कुछ नहीं करेंगे। क्योंकि विचार जो है एक मन में उठता है, उसकी स्वयं की कोई सत्ता नहीं होती। मेरे मन में विचार आया कि इस छाल को उठा लूं मैं यहां से, मैं मन को बोलूं उठा लो, परंतु मैं हाथ नहीं हिलाऊंगा, मैं पांव नहीं हिलाऊंगा, अगर तुम में दम है तो तुम उठा लो। मन इस छाल को नहीं उठा सकता। तो जब मनुष्य इस भाव में जीना शुरू कर देता है, इस चीज को समझ लेता है कि मुझे अपनी मन की सब बात सुनने की आवश्यकता नहीं है, जरूरी नहीं मन जो भी बोल रहा है उसका कुछ अर्थ हो। मन तो कुछ भी बोलता रहता है, एक छोटे बालक की भांति। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन जगृहते। केवल जब आप अभ्यास करते रहेंगे और अपनी इच्छाओं के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने परिवार के प्रति और स्वयं के प्रति एक वैराग्य को अपने विकसित करेंगे, तो ही ध्यान लगना शुरू होगा। एक बहुत बड़ा भ्रम जो समाज को है वो है कि मैं ध्यान लगाकर शांत हो जाऊंगा। शांत होने के लिए ध्यान नहीं लगाया जाता है। यदि शांत हो तो ध्यान लगा पाओगे, यदि मन शांत है तो ही ध्यान में बैठ पाएंगे। ये तो है नहीं हमको किसी पर क्रोध आ रहा है, बोल गया मैं ध्यान में बैठ जाऊंगा और मेरा क्रोध जो है वो दूर हो जाएगा, और मन जोर जोर से बोलेगा, पहले चाहे फिर थोड़ा शांत थे, अब और क्रोध हो जाएंगे। तो इसीलिए जो जीवन में कुछ गुण है जिनको धारण करना चाहिए, करुणा, विनम्रता, सहानुभूति और कृतज्ञता, जब हम इनको धारण करते हैं जीवन में, या पतंजलि के अनुसार चला जाए, यम और नियम का पालन करते हैं, तो हमारी आसन सिद्धि थोड़ा प्राप्त होने शुरू होती है, स्थिरता आने शुरू होती है। क्योंकि स्थिर मन ही एक स्थिर शरीर को दे सकता है। स्थिर शरीर तभी होगा यदि मन स्थिर है। उसके बाद फिर पतंजलि ने, ठीक है एक बार आसन लग गया, फिर थोड़ी श्वास क्रिया शुरू कर लो, के पाइप जो है उसको एकदम भीतर और से इस तरफ और उस तरफ से क्लीन कर दो, यहां से श्वास जाएगा, क्योंकि श्वास हमारा पहला संबंध है हमारे जीवन के साथ। यम नियम आसन प्राणायाम, फिर पतंजलि ने बोला जब मन शांत हो जाएगा, स्थिर बैठना सीख जाओगे और श्वास जो है एक मंत्र की भांति चल रहा है, उसके बाद आप अपनी इंद्रियों को थोड़ा भोजन देना कम कर दो, प्रत्याहार। प्रत्यय मीन्स अल्प, आहार मीन्स भोजन। तो आहार देना कम कर दो, जिसको कि इंग्लिश में बोला गया है विड्रॉल ऑफ सेंसेस। यदा संग्रहते चायम कुर्मणि सर्वश इंद्रियाणि इंद्रियार्थ अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। जिस प्रकार कछुआ चारों ओर से अपने अंगों को समेट कर बैठ जाता है, ठीक उसी प्रकार आप चारों ओर से अपने आप को समेट कर एक भाव में स्थित रहना शुरू कर देते हो, फिर जाकर आपका धारणा अर्थात कॉन्सेंट्रेशन अर्थात एकाग्रता बननी शुरू होती है। अब आप अलर्ट होकर बैठे हो, स्मृति से बैठे हो, सजग होकर बैठे हो, जागरूक होकर बैठे हो, और अब आप
एकाग्रता को बना सकते हो। जब एकाग्रता को बनाना सीख जाओगे, शांत चित्त होकर निर्मल मन से एक आसन में स्थित हो, समम काय शिरो ग्रीवम धारण चलम स्थिरम संप्रेक्ष नासिकाग्रम सम दिशश्च नवलोकम, अपनी ग्रीवा अपने काया को स्थिर रखते हुए, सीधा रखते हुए एक आसन में बैठना सीख जाओगे, शांत मन से इंद्रियों को समेटना सीख जाओगे, तब आपकी जाके एकाग्रता लगनी बननी शुरू होगी। जब एकाग्रता बनेगी फिर उसके बाद जाके ध्यान करने लायक होगे। और पहले ध्यान जो है वो क्रिया है, किया जाता है, फिर ध्यान जो है वो नतीजा है, आपको प्राप्त होता है, आप एक अनुभव हो जाता है। पहले करना पड़ता है फिर होता है आपको। जब ध्यान में स्थित रहना सीख जाओगे, जो कि सरल नहीं होता, परंतु जो ध्यान में स्थित रहना सीख जाता है फिर उसकी समाधि लगती है। फिर समाधि में वो अहम ब्रह्मस्मि जो कल बात हो रही थी, उस भाव का निरंतर बोध कर पाता है। परंतु हम सोचें, जैसे आज महाराज जी बोल रहे थे कि सहनशीलता बहुत बड़ा गुण है, एक प्रेम से बोल पाना बहुत बड़ा गुण है, कि मैं गुणों का धारण किए बिना मैं सबकी ऐसी की तैसी करूंगा पर ध्यान में बैठूंगा, उस व्यक्ति का ध्यान नहीं लगेगा। बड़भागी जो समझता अपने आपको आढ्यो विजनवान अस्मि को नस्ति सदृश मया, ऐसा मनुष्य असुर है कौन तय। और जिसकी बुद्धि असुर है, अर्थात सुर जो सुंदर है, सुर जो लय में है, हम बोलते ना सुरताल, जो प्रकृति के एक रिदम के साथ चल रहा है, ताल के साथ चल रहा है, वो सुर है। असुर जो उससे बाहर जाने की कोशिश कर रहा है, जो एक विधान है प्रकृति का, उससे बाहर जाने की जो कोशिश कर रहा है वो असुर है। तो फिर वो असुर प्रवृत्ति का मनुष्य हो जाएगा, ना शौच का ध्यान रखेगा, ना आचरण का ध्यान रखेगा, तब तो ऐसे व्यक्ति के लिए संभव ही नहीं, तब का स्वांग अवश्य रच सकता है वो। तो ध्यान इतना सस्ता नहीं है कि आज लगाया और एक डेढ़ साल में लगना शुरू हो जाएगा। मैं हमेशा बोलता हूं, जब तक 5-7 हजार घंटे ध्यान ना लगा लो, तब तक मुझसे ध्यान योग पर प्रश्न मत करो। और मैंने खुद अपने जीवन में 15 हजार घंटे कम से कम रगड़ाई करने के बाद फिर ध्यान के विषय पर बोलना शुरू किया है। तो फल असीम है ध्यान का। देयर इज टू मच टू बी गेन्ड फ्रॉम गुड मेडिटेशन, पर लगाना सरल नहीं है। सरल हो सकता है, कोई भी चीज अभ्यास से ही सरल होती है, इस बात का सदा स्मरण रखना। हर अच्छी चीज शुरू में कठिन ही होगी, और हर कठिन से कठिन चीज अभ्यास एक बार हस्तगत हो जाती है तो फिर सरल हो जाती है। फिर आंखें बंद करके भी आप बजाते रहो, पर अभ्यास से ही वो संभव है, बिना अभ्यास के संभव नहीं है। टू गेट टू अ स्टेज ऑफ एफर्टलेसनेस यू हैव टू गो थ्रू अ ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ एफर्ट।